हेलो एंड वेलकम टू तिवारी एकेडमी। आई एम राहुल और आज के इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली एक्सरसाइज 5.9 के बारे में, जो कि क्लास 6 की एनसीईआरटी का सोल्यूशन होने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, जिसके अंदर कुछ इमेजेस दी गई हैं और इन्होंने मैच करके हमें बताना है कि कौन क्या है। तो ये कौन के बारे में अगर मैं बात करूँ तो कौन जो है वो ये हमारा कौन है। इसके अलावा स्फीयर की बात की जाए तो स्फीयर हमारा कुछ इस तरीके से हमारा स्फीयर है। देखिए आप देखते जा रहे हैं यहाँ पे आंसर्स में आपको बताते जा रहा हूँ। ये जो हमारा है कम्प्लीटली कौन है, जो कि सेकंड वाला है स्फीयर है, जो हमारा फोर्थ वाला ये स्फीयर का एग्जांपल है। सिलेंडर का एग्जांपल आपको पता ही है, ये सिलेंडर है। और क्यूबाइड आपको पता है, ये बुक से क्यूबाइड का एग्जांपल होते हैं। और पिरामिड भी ये इसका एग्जांपल है, जो कि 3D डायग्राम्स होता है पिरामिड। ये सारे 3D डायग्राम्स हैं, वो जितने भी चीज़ें हैं सारे 3D डायग्राम्स हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर दिया गया है कि योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स वो क्या है, किस टाइप का एग्जांपल है, वो क्यूबाइड का एग्जांपल है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट बॉक्स होता है वो हमारा क्यूबाइड का एग्जांपल होता है। इसके अलावा पूछा जा रहा है कि जो ब्रिक्स होती हैं, जो ईंटें होती हैं, वो किसका एग्जांपल है, वो भी क्यूबाइड का एग्जांपल है। और इसके अलावा मैच बॉक्स वो भी हमारा क्यूबाइड का एग्जांपल है। रोड का रोलर वो सिलेंडर का एग्जांपल है, वो सिलेंड्रिकल होता है। इसके अलावा बात करें एक स्वीट लड्डू जो होता है, लड्डू खाने वाला लड्डू, वो स्फीयर का एग्जांपल है। और फुटबॉल की बॉल को बोला जाए तो वो भी एक स्फीयर का एग्जांपल है। यानी जो इसमें क्या होता है ना कि जो ये 3D डायग्राम्स होते हैं कम्प्लीटली, और इसकी इमेजेस आपको देख पा रहे होंगे। और ये तो कम्प्लीटली बेसिक था, और इसके आगे जब आप 7th क्लास 8th क्लासेस में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से 3D डायग्राम्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। तो ये कम्प्लीट एक्सरसाइज थी 5.9 के बारे में, और उम्मीद है माय डियर फ्रेंड्स कि ये लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप भी अपने दोस्तों के बीच इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी घर बैठे फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को देख सकें और समझ सकें। अगर आपके पास फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।